ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा क्या हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं ना, तो नुकसान नहीं हुआ तो एक्सीडेंट भी ना हुआ। अच्छा बाबा अब्बा मर गया है। अच्छा बाबा माफ करना, वो आवाज नहीं आ रही थी तो मैं समझा। लेकिन बाबा एक बात बताओ, तुम तो वहां पे अकेले हो गए ना, क्या बाबा पुलिस तंग करती है? अरे बाबा ऐसे कैसे तंग करती है, मत परेशान हो बाबा, मैं बस अभी फौरन पहुंचता हूँ। हाँ बाबा मैं आ रहा हूँ। किसी को बता तो तू जरीना। अरे बाबा जरीना, ओ जरीना, ऐसे सो रही है जैसे आखिरी बार सो रही है बाबा, किसको बताऊं? अरे बाबा सीमा को बताता हूं। अरे बाबा सीमा भी ऐसे सो रही है जैसे आखिरी बार सो रही है, पता नहीं ये जानी कहां मर गया है सुबह सुबह। बाबा कॉल मिलाता हूं। अरे बाबा इसकी बैटरी भी अभी लो होनी थी, जन रात में इसको चार्जिंग पे भी नहीं लगाया है, क्या करूं बाबा, किसी को बताया भी नहीं और जाना भी जरूरी है। खैर है बाबा जाता हूं। ये लीजिए जनाब चाय, ये मैडम चाय आपके लिए, ये लीजिए जी आपके लिए। शुक्रिया जाने। ए सीमा मैडम, लगता है बच्चू भाई भी शहर में आके ना शहरी हो गए, अभी तक सो के उठे नहीं। क्या मतलब, तुम्हें भी नहीं मालूम क्या हो गया, क्या जहाने फानी से कुछ कर गए? बकवास बंद करो अपनी। अरे मेरा आधा कहाँ है बाबा, नाचते भी नहीं था। जानी ठीक ठीक बताओ, मैं जब से उठी हूँ मैंने तो बच्चों को नहीं देखा। मैं भी जब से उठा मैंने भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आधा घर छोड़ के चला गया हो? ये सब कुछ इस बोर्डम की वजह से है जानी, भला अब मेरी शादी कौन कराएगा? मेरी वजह से? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, हर वक्त अपने शादी का रोना, ये छिछोरापन, इसी वजह से गया बच्चों घर छोड़ के। बस ज्यादा मेरे साथ बातें करने की जरूरत नहीं, वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। बुलाओ, आज तो बुला ही लो पुलिस को, मैं भी बताऊंगी कि तुम मेरे घर में घुस के बैठी हो, तुम भी नहीं है, देखा तुम मैं करती क्या। देखा ये बापिया ना भाइयों के जाने के बाद ना जुल्म करती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना धरी मेरे अदा को भी खा गई। अरे भाई हौसला रखे हौसला रखे, एक काम किया आपने, फोन मिलाया उनको? नहीं। आपके अपने शौहर है ना? अभी मिलाती हूँ, ये तो नंबर बन जा रहा जानी। अब ठीक है मैं अपने फोन से करती हूँ, देख लेना मेरी वजह से मेरे आदा ने ना अपना फोन खुला रखा हुआ होगा। वैसे एक बात है, बोड़ा माफ करी इनको होना चाहिए था। बस कर जाओ जानी, तो बात मेरे आदा के जाने के बाद ना नौकरों की भी जबान निकल आई। लो चूटियों के पर निकल आई ये तो सुना था, लेकिन नौकरों की जबान निकल आई ये पहली दफा सुना। ज्यादा मेरा मता खराब करने की जरूरत नहीं है समझे, तुमने कत्ल होते हुए तो देखे होंगे लेकिन अपना कत्ल होते हुए तुम पहली बार देखोगे जानी। बहुत ही शर्मपसंद खातून है, मैं चलता हूँ। रुको, देखिए बच्चों भाई का भी पता नहीं है इसलिए मैं अभी कोई रिश्ता बनाने का वादा नहीं कर सकता। बकवास बंद करो अपनी जानी, वरना ये तो तुम्हें सिर्फ बातों में खत्म करेगी, मैं वाकई कर दूंगी। भाई किन वैसी औरतों में मैं फंस गया हूं? मेरे तुम्हें इसलिए रोका है कि जाके देखो बच्चों कहां गए। ओहो तो यूं बोले ना, वो तो वैसे ही मैं पता करने जा रहा था। जानी कहां चला गया, ना फोन भी बंद किया हुआ है। नौकर होगा ना घर का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। आप तो कह रही थी कि आप हमें कल तक बता देंगी।
अरे हम कोई डॉक्टर छोड़ी है कि हॉस्पिटल में मरीज आया नहीं और हम चंद घंटे में जवाब दे दें। ये मामला तो मशवरे से तय होते हैं, हमें टाइम दे, हम कल तक बता देंगे आपको। अरे भाई जल्दी करो, मुझे बहुत जोर से शादी आ रही है। अरे आजकल तो मार्केट में हर चीज रोकने की दवाइयाँ अवेलेबल है, आप अपने भाई को कोई दवा क्यों नहीं खिला देती? आपको पता भी है हम लोग कौन है? हाँ हाँ, आप दोनों लड़के की बहने हैं और ये बेचारा लड़का। बेचारा बेचारा नहीं हूँ मैं, मेरा दिमाग बहुत तेज है, कोई भी सवाल पूछ के देख ले। अच्छा तो फिर ये बताओ कि अगर लड़की के घर वाले शादी के लिए मना कर दे तो कैसे शादी करोगे? अरे पापा रुको रुको रुको, मैं जवाब देती हूँ ना। चलो भाई चलो, निकल पड़ा। अरे इसको तो वाकई बहुत जोर की आ रही है शादी। आपको मजाक लग रहा था? ये हमारा भाई तो आपकी लड़की को देखकर ही पागल हो गया था। और मेरा दा पहली नजर में इसको देख के ना गुस्सा हो गया था और वो बेचारा अब घर छोड़ के चला गया है। ये तो बेहतरीन हो गया, अब तो भाई भी घर पे नहीं है। चिंटू हौसला रखो, शादी के बाद घर में ही आएगी ही। नहीं ना पापा, मैं यही रह जाता हूँ। रुक जा, ये पहले ये पी ले थोड़ा। अब बोलो। इसी घर में इनका कोई मर्द भी नहीं है ना, मैं सहारा बन जाऊंगा। ये लीजिए मैडम, आप भी पकड़े। और भाई बात सुन, ये आधे कपड़ों में पूरा आदमी तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ ये है ना जानी। आप कैसे लोग हैं ये? मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? अपने शोर के जाते ही अपने जानी को घर बुला लिया। सही बात है, ऊपर से इससे काम भी करवा रही है। देख लो, तुम्हें शौक था ना इस घर में घर दामाद बन के रहने का। अरे आप लोग जरा अपने ये फजूल बकवास बंद करेंगे। मैडम चलने दे, मजा आ रहा। तुम तो चुप करो, ये मेरा मैनेजर का नौकर है और इसका नाम है जानी। अरे हाँ बाबा, मैंने तो इसको काफी दफा अपना जानी बनाने की कोशिश की लेकिन ये मानना ही नहीं, इसलिए तो मैं बाहर से रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा भाई बहुत हो गए इधर उधर की बातें, आप हमें ये बताएं ये शादी होगी या नहीं होगी? अरे होगी होगी बाबा, क्यों नहीं होगी? सरीना सबर करो सबर, अब हम लोग आप लोगों को शाम तक जवाब दे देंगे, अभी आप लोग जा सकते हैं। अगर आप कहे तो शाम तक मैं यही इंतजार कर लूं। मंगी अभी आने वाला है, कचरा समझ के ना ले जाए, फटाफट निकलने की करो। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं मगर आपके जवाब का इंतजार करेंगे। जी जी हम आपको दे देंगे जवाब। क्या हुआ, कुछ पता चला बच्चों का? हर जगह पता कर लिया, दोस्तों में रिश्तेदारों में, कहीं पता नहीं चल रहा बच्चों भाई का। पता नहीं कहाँ चले गए, या अल्लाह फोन भी बन जा रहा है उसका, फोन भी बन जा रहा है, पता नहीं कब। अस्सलामुअलैकुम। देख साहब घंटी बजाने की भी जहमत नहीं की। अरे भाई पुलिस को घंटी बजाने की जरूरत नहीं होती, समझे? देख साहब एक बात बताओ, नॉर्मल हालत में देखता हूँ बड़े ठीक लगते हैं लेकिन जैसे ही आप ये वर्दी पहनते अजीब सी अकड़ आ जाती है, आज बताई नहीं ऐसा क्यों है? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम सब लोगों के घरों की घंटियां बजा बजा कर तंग कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा जरा मालूम करूं कि माजरा क्या है। नहीं 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 बेग साहब, आपको लग रहा हो कि मैं लोगों के घरों की घंटियां बजा के भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मोहल्ले में बच्चू भाई का पता कर रहा हूँ। घर में छोड़कर मोहल्ले में पूछने का क्या मकसद है? एक काम करें, थाना यही लगा लो, है मैं छड़ी और वो चित्र लेके आ जाता हूँ। ओए तुमने पुलिस को सिर्फ तशद्दुद करते हुए देखा होगा, वहाँ कागज और कलम भी होते हैं। इस्तेमाल होते हुए कभी भी मैंने नहीं देखे, लेकर छोड़ो इस बात को। और याद रख, अब अगर तूने बकवास की ना तो थाने ले जाके ऐसी चित्रोल करूंगा कि तू भी याद करेगा। ओह मुझे लगता है आपने माइंड कर लिया, बुरा मत माने, मैं मदद चाहता हूँ, मैं मदद चाहता हूँ। असल में मसला ये, ये है मसला। बच्चू सुबह से मिल नहीं रहा, हम सारा घर देख लिया और फोन भी करी, फोन भी बंद जा रहा है उसका। अच्छा तो ये बात है, बच्चू भाई गायब हैं, तो तुम लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई? आप क्या ब्यूटी पार्लर में काम करते हो? क्या बकवास है ये? मतलब है आपको बता दिया, अब क्या थाने में भी मगजमारी करें? हाँ हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने अस्पताल, थाने, मुर्दा खाने और कब्रिस्तान जाकर मालूमात की तो उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज होती है ना। ठीक है मैं चलता हूँ। मुर्दा खाना मैं जरा देख के आता हूँ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आइए आइए आइए, तब सब आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ। सीमा मैडम, सीमा मैडम, क्या हो गया जानी? और कौन है ये, किसे ले आए हो घर में? सीमा मैडम, तमीज से बात करिए, ये अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो बेग साहब ने नहीं कहा था? वही वही। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सीमा, बच्चों की बीवी। तो मैं क्या तलू, मेरे लिए तो नहीं हो ना? क्या बदतमीजी है ये, कौन है ये? डॉक्टर साहब, आप भी क्या फजूल किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, बस जिस मकसद के लिए आए उस पर तवज्जो दें, हम लोग पहले बहुत परेशान हैं। जी तो बताएं, मतलब क्या है, कहाँ तकलीफ है आपको? तकलीफ थी तो नहीं, लेकिन आपके आने से लग रहा है कि तकलीफ हो जाएगी। अरे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मसला ये है कि मेरा शौहर जिसका नाम बच्चू है वो सुबह से गायब है और उसका फोन भी बंद है। आखिरी दफा उन्होंने किसी को कहता तो नहीं था? अरे बाबा मैं मानती हूँ, ये मेरी भाचाई जो ना मेरे अदा के गले में पटा डाल के रख दिए, लेकिन मेरा अदा किसी को काट नहीं सकता। बालों में मट्टी तब डाली थी। क्या बकवास कर रहे हो, मैं ना कर रही हूँ। मैं तो मलिक की बात कर रहा हूँ, क्या नाम था उसका, पप्पू, पप्पू। अबे पप्पू नहीं बे, बच्चू यार, बच्चू। जो भी है, तुमने बताया था वो तुम्हारा छोर है। क्या लिख कर दूं आपको? उसने रात के अंधेरे में कत्ल करने की, गला दबाने की कोशिश तो नहीं की थी? क्या पागल वाली बात कर रहे हैं आप, कौन पागल है ये जानी? देखिए आप सब बातें थोलें, मुझे गुमशुदा मरीज की तस्वीर दिखा दें। हाँ दिखाती हूँ, मेरे फोन में है। नहीं, नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो ही है, ये वो ही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। लगता तो पक्का है, पक्का। अरे डॉक्टर साहब, पहेलियां बुझाना बंद करें और ये बताएं कि ये आपके हॉस्पिटल में आया था कि नहीं? नहीं भाई, लेकिन हमारे पागलखाने में ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। पागलखाना? जानी तो पागलखाने में बच्चों को ढूंढने गए थे? आप दोनों की लड़ाई में मैं समझा बच्चों भाई पागल ना हो गया, इसलिए मैं पागलखाने चला गया और उनको ले आया। शट अप जानी। मेरी तरफ से भी शट अप, दोनों जी चले जो डॉक्टर। पता नहीं कहाँ रह गया है जानी, पूरा मोहल्ला देख लिया, आने दो जल्दी से। जीमा मैडम, जीमा मैडम, जीमा मैडम, मैंने ना पूरे अस्पताल मोहल्ले के छान मारे, लेकिन बच्चू भाई की लाश का कहीं अता पता, मेरे बताओ बच्चू भाई का कहीं अता पता नहीं। अरे बाबा देखो, मैं नहीं जानती, कुछ भी करो मेरा अदा को वापस ले आओ, वरना उसे चौक कर दे ना, मेरी शादी तय कर दो। सीमा मैडम इसको चुप करा दे, वरना मेरी हंसी छूट जाएगी। अरे जानी ठीक ही तो कह रही है, इसकी शादी होगी तो ही मुसीबत हमारे सर से टलेगी ना, अब मेरा मतलब है तभी तो ये खुश रहेगी। सब मैं समझती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं शादी उसी छोकरे से करूंगी। मैं कुछ नहीं जानती जानी, कुछ भी करो, बच्चों को ढूंढ के लाओ। अब बच्चों का पता लगाने पे ना मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए इनाम दूंगी। 50,000 रुपए कट्टे? कम है? जिसकी तनख्वाह कम हो और मिलती भी ना हो उसके लिए तो 50,000 मायने रखते ना। बहरहाल आपने दिए नहीं, लेकिन सुनकर खुशी हुई। मैं पता करता हूँ, फिक्र नहीं करे, मैं पता करता हूँ। और अब बच्चों के बगैर मत आना, तुम्हें तो हर वक्त अपनी शादी की पड़ी रहती है, भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। आइए चौधरी साहब, आइए 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 आइए। सीमा मैडम, सीमा मैडम, आप तो तशरीफ रखें, बैठे बैठे बैठे। अरे भाई क्या हो गया, और ये कौन है, किसको घुसा लिया घर में? सीमा मैडम, बच्चू भाई को ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ, लेकिन मिले नहीं। तो अपने रिश्तेदारों को लेकर क्यों घूम रहे हो तुम? नहीं रिश्तेदार थोड़ी है, इसी काम के लिए लाया हूँ। तो ये है कौन? अरे छोड़े कौन है, मैं आपको ये बता दूं, जो कहीं भी चला जाए आखिर में आता इन्हीं के पास। लेकिन ये किसी की बीवी तो नहीं लग रहे? ना जी ना, मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, लेकिन बीवी को बेवत तक के सफर में पहुँचाने में मेरा अहम किरदार है। सारी बातें छोड़ें, मैडम दिखाएं। ये लो जरा बच्चू भाई की मैं तस्वीर, ये देखे जी बच्चू भाई की तस्वीर। और जिंदा तस्वीरें सबकी खूबसूरत आती है। आप बकवास ना करें और ये बताएं कि आपने इन्हें कहीं देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा, अक्सर लगा कि ये शक्ल देखने नहीं देते आखिरी वक्त। आप हैं कौन?
और मैं गोरखन हूँ, कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाता हूँ जी। जानी तुमने फिर वही पागलों वाली हरकत की ना, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, वरना बच्चे को किसी बस के नीचे लिटा के बस ही चलवा दो। मेरा क्या होगा जनाब? तेरा क्या होगा, हमारा कुछ नहीं बनता, तेरा क्या होगा यार? उठ उठ यहाँ से, मेरा क्या होगा, दबाओ यहाँ से, क्या कहाँ चलेगा बच्चों का? किसी बना बेग साहब को इतनी रात हो गई है, पूछती हूँ ना। हेलो बेग साहब, मैं सीमा बात कर रही हूँ। अरे क्या हो गया बेग साहब, बस स्टॉप वाली नहीं, सीमा बच्चों की बीवी, आपकी मोहल्लेदार, वो रात हो गई ना, बच्चों अभी तक घर नहीं आया। क्या क्या कह रहे हैं आप बेग साहब? अरे बताओ तो भला, क्या कह रहे थे, क्या हो गया? बेग साहब कह रहे हैं कि अगर रात तक शौहर घर ना आए तो बीवी को बेवा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस मुझे 10 मिनट दे, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे क्या बकवास कर रहे हैं ये बेग साहब, मेरा दा मेरी शादी कराए बगैर नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। हौसला रखो जरीना, हौसला रखो, जाने वाले को कौन रोक सका। और मैडम आप भी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस किस चीज की? अरे भाई पहली दफा बेवा हुई है तो जरा देखिए किस तरह मिलना है लोगों से, रोना कब है कब नहीं रोना, सब चीज। हाँ मैं YouTube पे देखती हूँ। हाँ मैं जब तक पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बता दूं कि बच्चू भाई हमारा लाना करे, शादी के बगैर नहीं मर सकता क्या? पड़ी ना करे, मेरी शादी रह जाएगी। बटीजा, हाँ बटीजा, बच्चू भाई चलेगा दुनिया से, कैसे गए बट्टी साहब? मैं अब आपको पूरा स्क्रिप्ट बताऊं कि कैसे गए भाई, इतना लीला पड़े बस तैयारी पकड़े आने की कल। हाँ ठीक है, ओके। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। चलो भाई बच्चू भाई के लिए दुआ करो भाई, या अल्लाह बच्चू भाई के सारे गुनाहों को माफ फरमा, आमीन। या अल्लाह बच्चू भाई भी अपना कर्म करना, आमीन। या अल्लाह जितने कर्ज उन्होंने लिए हैं उन सबको भी माफ फरमा, अच्छा आमीन 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 सुम्मा आमीन। अच्छा भाई बच्चू भाई का कोई कर्ज हो उधार हो तो मुझे बता दे, मैं नहीं चाहता कि बच्चू भाई की रूह को कोई अजियत हो, बताइए। मेरे आइसक्रीम के पैसे देने हैं। कोई बात नहीं, दोजख में खा रहे होंगे, दुआएं देंगे तुमको। जानी भाई 8 महीने की तनख्वाह मेरी बाकी है। भाई वो तो मेरी खुद तनख्वाह खा के चले गए, चलो कोई बात नहीं, माँ अल्लाह ताला बरकत डाले आपकी तनख्वाह में। और मुझे दूध की फैक्ट्री का बोल के 6,000 लिए थे, अभी तक नहीं दिए। जानी भाई मेरे भी कई रक्षों में कई बार आए हैं, वो किराए का नहीं दिया उन्होंने अभी तक कुछ। जानी भाई बच्चू भाई मेरी दुकान से रोज गोश्त लेके जाते थे, पैसा एक पाई नहीं देते थे, चलो बुरी जगह पे होंगे, मैंने माफ किया। जरीना रो रही हो, कैसे रही हो? जानी जाके देखो दरवाजे में कुछ आए, वापस आएंगे। अच्छा देख बच्चू भाई इतनी जल्दी चले गए, बस अच्छा ही किया। तेरी वजह से ना मेरा दामर है, रिश्ता कराने 2 घंटे पहले ही बेचारा चला गया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बस बस पापा सही के आते आज भाना शुरू कर दिए ड्रामे बाज। आई 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 मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आराम करो। अरे वाह शादी मुबारक, रुकावट तो गई। अरे भाई मुझे बहुत अफसोस है, मैं सदमे से पागल हो गया, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहा हूँ। सदमे से नहीं, तू दिमागी तौर पे पागल है, मैं तो देखते हुए जान गया था इसको। सबर करें बहन, एक ना एक दिन आप सपने ऊपर चले जाना है। और अब बस सिर्फ आप फैसला करें। अरे भला कौन सा फैसला, इधर मेरा भाई मर गया, तुम लोगों को शादी के पड़ी है। सरीना तुम्हारे तो अच्छा मौका ना, रास्ता साफ है। मौका तो सही है लेकिन दुनियादारी भी तो ना, बातें करेंगे तिलते लोग हैं। तुम भी बैठ जाओ, अभी फैसला नहीं हुआ। भाई जब तुम यहाँ आए हो तो बिरयानी खा के जाना। नहीं मैं या किसी का इंतजार नहीं करूंगा।
मैं यहाँ से जा रहा हूँ काजी को बुलाने, बस मैं काजी को बुलाने जा रहा हूँ। हाँ रुको, ये कहाँ जा रहा है? रुको भाई रुको, इसको अरे भाई सारे उठो चलो शाबाश, देख बन जाएगी आप तक पहुंच जाएगी, चलो शाबाश देख लो देख लो शाबाश। आराम करो अरे बाबा बस 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 बाबा यार रुको बाबा बस 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 बंद करो बाबा। यार तू नहीं था तो मैं ये सब एक्सीडेंट और पुलिस के नजरबले कैसे संभालता? अरे बाबा बच्चू किसी से दोस्ती करता ना तो उसके लिए जान भी हाजिर है। शुक्र करो बाबा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बस उस गरीब आदमी का गधा मर गया। और उसके भी पैसे तुमने दे दिए, बहुत शुक्रिया यार। अरे बाबा शुक्रिया अदा नहीं करो, ये पैसे तुमने मुझे किस्तों में वापस करने हैं। रहेगा तुम ऐसा कंजूस ही? अरे बाबा दोस्ती अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह बाबा। अच्छा चल मैं चलता हूँ। आराम से चलाना बाबा, एक्सीडेंट ना करना। चलो बाबा चलो। मैं बाबा एक फोन करके आती हूँ। बच्चू भाई तो चले गए, आप किसको फोन कर रही हो? सद में से बेचारा पागल हो गया है। बच्चू बच्चू भाई बस कर रही है ड्रामेबाजी, मैं हूं ना। क्या बकवास कर रहे हो जानी? बाबा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम और मेरे पैसे और जेवर भी रख लिया, बस आ जाओ मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। ठीक है हदा तुम मेरा मर गया बेचारा, अल्लाह हाफिज। बाबा क्या हो गया है, क्यों भूत भूत बोल रही है? बाबा मैं हूँ बाबा अदा बच्चू, ये देख बाबा हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा बाबा। हाँ देख अरे अदा तुम जिंदा हो? हाँ बाबा जिंदा हूँ, चला जा। तेरे जाने के बाद तेरी जनना पे बहुत जुल्म हुआ है। अरे बाबा चुप करो, कोई भूत भूत नहीं है बाबा, मैं हूँ असल में बाबा बच्चू। बाबा इधर आओ, जरा इधर आओ, इधर आओ बाबा इधर आओ। ये बाबा मेरी तस्वीर पे हर किसने चढ़ाया है? ये हार डाल दिया, अब बाबा तुम्हारी तस्वीर पे भी हार चढ़ेगा। बच्चू मैं कह रही अपनी बहन को समझा ले। बाबा क्या कर दिया अब उसने? मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रही हूँ और वो मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। बाबा ये तो बहुत गलत बात। अदा मैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ। बाबा सीमा के इलेक्शन की तैयारी तू क्यों कर रही है? अरे नहीं बाबा मैं अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ, मैं भी ना फार्म में अपना नाम लिखवा कर आई हूँ, सीमा के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी मैं। बस बाबा जानी आपके सामने। बाबा मेरे सामने तो हो लेकिन वो सीमा परेशान लग रही मुझे, और तुम तो वैसे भी फारिग हो, बाकी रहो जरीना, जरीना तो इलेक्शन की तैयारी में होगी। बाबा सामने लड़ने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, ये तो बाबा तुमको सोचना चाहिए ना। जीतूंगी तो मैं ही, तू तो लड़ने वाली है। मैं लड़ने वाली हूँ? तूने अभी तक ना मेरी लड़ाई देखी नहीं है। ये जो इस वक्त सूरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये ना एक जालिम और सफाक दरिंदा है, बल्कि अपनी घर की औरतों पर जुल्म भी करता है, और ना ही ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने देता है, और ना ही इलेक्शन में खड़ा होने देता है। दरिंदे के बारे में आपको आगाह करेंगे थोड़ी ही देर में, हमारे साथ रहिएगा। भाई हमारे भैंसों के बाड़े क्या ये काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? बाबा काम तो हमारे वहाँ नौकर करते हैं, हमारे अपने भैंस के बाड़े बस। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा